मैंने लिया ये एक टर्टल बॉक्स है और ये बड़े काम का है तो मुझे अच्छा लगा तो ये। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं मॉल में और हम लोग कुछ काम है, काम मेरे को नहीं है, काम है पार्थ्वी को, उसको कुछ लेना है। सो वी आर गोइंग टू नॉट द इन्फिनिटी मॉल बट वी आर गोइंग टू आर सिटी मॉल। तो यहाँ से कुछ 1 घंटा दिखा रहा है, हम लोग मलाड में रहते हैं, सो वी आर गोइंग देयर। तो पार्थवी इज़ ऑलरेडी ऑल सेट और हाँ, ये थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए क्षमा। ओके, सो अभी चलते हैं फटाफट बाइक पे और बजे शाम के एग्जैक्टली 5 बजे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ और ले ही लूँ, और क्या लेंगे वो सरप्राइज़ आपके लिए। वो अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो मुझे बोलना नहीं है क्योंकि मैं हमेशा वो सोच के जाता हूँ तो मिलता ही नहीं है वो चीज़। सो लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो आर सिटी मॉल में 2-3 चीज़ खरीदनी है, मिलते हैं बाइक पे। चल रेडी हो गई, रेडी हो गई। अच्छा लग रहा है, बाकी सारे चप्पल इसके टूट गए। नहीं, ये तो नए वाले। ये वाले नए हैं। वेरी गुड, मर गया मैं, चाबी नहीं ली गई बाइक की। ओह शिट, नहीं ओहो, मम्मी कूदना पड़ेगा। मम्मी सॉरी, बाइक की चाबी भूली गई हो। मम्मी थोड़ी उठेगी, मम्मी सो रही थी। सॉरी, दरवाजा छुटकी गयो मारो। क्लबू मारी हमने, छुटकी गयो। चाबी ना दी? अभी चाबी तो भूली गयो। चाबी भूल गया ना। चलो बाय बाय, होता है ना यार ऐसे कभी। अच्छा लग रहा देखो ये मास्क, पर ये ब्लैक एंड ब्लैक मास्क लिया होता था ना यार तुमने, वाइट ब्लैक एंड वाइट में एकदम ब्लू मास्क एकदम अजीब लग रही है। इट्स ओके, इट्स ओके। देखा ये वाला चाहिए मुझे, ब्लू दे दे, तू ब्लैक ले ले। सब में अच्छी दिखती है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तेरा कॉन्फिडेंस भाई भारी है भाई। नजरें होनी चाहिए मुझे देखने के लिए। नजरें मिली, दिल धड़का, अच्छी लग रही है। हाँ, ब्लैक एंड वाइट। चलो बाइक निकालते हैं, थोड़ा बाइक को चलाया नहीं यार बहुत दिनों से। ये रही अपनी बगीरा। तो मोस्टली हम लोग कोई बड़ा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सो कहाँ जाएंगे वो अभी तक है दिमाग में है, बस अभी उसको थोड़ा मटेरियलाइज करना है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, एंड कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। कहाँ गई चाबी? चाबी चाबी इतनी सारी चाबी, ये रही। क्या डेकोरेशन है, मस्त है ये। पारसी मुझे कह रही थी कि इधर बहुत अच्छा डेकोरेशन है, अपन डेकोरेशन देखने चलते हैं। बोला चलो डेकोरेशन देख लेते हैं, संडे को अपने वो काम किया आज। वेरी नाइस, मस्त है ना। वेरी गुड। देख मैंने तेरे लिए गाड़ी ली, रेडी है। आई वांट अ पिक्चर हियर। यू वांट अ पिक्चर? अच्छा है ना। मटेरियल इज गुड, 799। अच्छा है, कॉटन का। ओके, फाइनली मेरे को ये वाला चेयर मिल गया, पर ये वाला तो सब जगह अवेलेबल है, पर अपने को चाहिए था ये वाला, ये कलर अपने को चाहिए था, तो ये अवेलेबल है, स्टॉक में है। तो ये जो मैं हमेशा आता था तो हमेशा ये ही मिलता था, तो अपने को अभी चाहिए तो अभी ये चाहिए। तो अभी उसने कहा कि आप लेके जा सकते हो अभी, पर हम लोग बाइक पे आए तो उन्होंने बोला कि आप अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, इट इज़ देयर इन स्टॉक। तो हमेशा ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ही रहता था, और हमेशा ये ब्राउन कलर रहता था। तो ब्राउन कलर क्या है कि गराब हो जाता था, हमेशा मट्टी लग जाता था, तो आई डोंट, देखो फिर ऐसा ऐसा हो जाता, यू नो।
तो मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए था, सो आई वॉन्ट दिस कलर। ये अभी उसने कहा आप ऑनलाइन मंगा लो, घर पे आ जाएगा, 4-5 दिन लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर एरिया कोड, तो ये वाला हम लोग मंगाएंगे। तो ये मुझे चाहिए, तो यही हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था, तो आज मुझे मिल गया। सो पार्थवी अपने को ये चाहिए, ये ले देंगे। अगर ये ऑनलाइन मिलेगा ना? हाँ ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। अच्छा ये चलो फाइनली 3499 का है ये चेयर, तो ये अपना फिक्स है। डीकैथलन में क्या जबरदस्त क्या माल है यार, अमेजिंग, बहुत पूरा का पूरा फुल विंटर कलेक्शन। और किसी को भी शॉपिंग करना ना तो आओ, बहुत अच्छा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या पूरा का पूरा शॉप भरा हुआ है, और क्या क्या चीज़ जो पहले नहीं थी वो भी मैंने देखी। विंटर कलेक्शन तो अमेजिंग है, ट्रैक पैंट उनका एवरी रेंज इज़ वेरी गुड। तो डीकैथलन में अपने को जो चाहिए था वो मैं अपने को मिल गया, वो अभी ऑनलाइन मंगा लेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि यार गाड़ी लेके निकलूँ, बट यार गाड़ी निकले निकला था तो वाट लग जाती थी अपनी रोड पे ही, तो ठीक है ऑनलाइन अभी देख लेंगे ना, मिल जाएगा अपने को। चलो ये आर सिटी मॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉल, अगर आपको आना है तो शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए तो सही है। सैटरडे संडे छोड़ के कोई भी तो ना हो तो क्राउड इज ऑल्सो लेस। वेरी वेरी। चलो अपना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे चाहिए था, बहुत टाइम से मैं राह देख रहा था कि वो ग्रीन कलर आए तो मैं ले लूँगा, तो अभी ऑनलाइन डन। चलो चलते अपन आगे कुछ खा लेते। अरे यहाँ पे आवाज़ बहुत है तो शायद आवाज़ थोड़ी कम आएगी। तो हम लोग ने ना ये DIY से काफ़ी सारी चीज़ मस्त मस्त ली यार, 1000 रुपये का हुआ, मतलब काम की चीज़ ही ली, 3-4 चीज़ ही ली। और एक ट्राईपॉड लिया मैंने अपने मोबाइल होल्डर के लिए, अगर व्लॉग वगैरह करना है तो, अभी मैं सेल्फी स्टिक यूज़ करता हूँ तो कभी ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, तो वो वाला लिया मैं, आपको घर पे दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे बालाजी में आए हैं तो काफ़ी भूख लगी है, तो अभी हम लोग भूख लगे भूख करके हम लोग खाने वाले हैं। तो क्या मंगवाया? चिली मिली, फिर पनीर चिली ड्राई और बटर रोटी, अरे मसाला पापड़ बोला मसाला पापड़। अबे कितना खाएगी फिर, इतना इसको इतना भूख लगा है कि इतना सारा मंगा लेते फिर खाती नहीं कुछ। ठीक है चल अपन अभी खा लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये बहुत अच्छा ट्राईपॉड मिला, 200 रुपये का खाली। तो DIY में अगर आप आते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, खाना खा लेते हैं घर पे दिखाता हूँ। चिली मिली ड्राई, पनीर चिली, हाँ पनीर चिली, हाँ हाँ पनीर चिली, हाँ चिली मिली इज कमिंग, सब्जी ओके, पनीर चिली चिली मिली ड्राई इज कमिंग। खा ले भूख लगी उसको। ये अपना क्या है, चिली मिली, बॉस घर पे तो हम लोग आ गए। तो सुबह नहीं, अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बज गए, तो मैं सुबह बोल रहा हूँ, हाँ मेरे 12 बज गए, तो 12 बजे हो गए और इतना थक गए हम लोग, अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश हो गए। तो हम लोग ने क्या लाया तो दिखा देता हूँ ये एक बार। तो 3-4 चीज़ लाए, ज़्यादा कुछ नहीं लाए, बट बड़े काम की चीज़ है। तो व्लॉगिंग के लिए एक ट्राईपॉड मिला, तो ये चीज़ हम लोग को मिली। तो ये एक ट्राईपॉड है, तो ऐसे खुलता है ये, तो ये ऐसे खुलेगा ऐसे, और इसके ऊपर ये लगेगा ऐसे, ये ऐसे लगेगा। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा और मैंने बोला यार ये बहुत सही है, आइटम बहुत अच्छी है, तो कभी व्लॉगिंग करना है कैमरा से तो सेल्फी स्टिक ना हो के ये करेंगे तो फिर अपन इस पर टाइम लैप्स वगैरह भी ले सकते हैं, तो इसको ऐसे टाइट कर देंगे तो सही हो जाएगा। ये एक ये लिया और एक और ये मुझे एक और मस्त लगा, एकदम क्यूट है ये, तो ये भी ट्राईपॉड है और ऐसे खोल सकते हैं इसको, मतलब बड़ा भी बना सकते हैं, प्लास्टिक थोड़ा ओके है, तो ये मुझे अच्छा लगा। इसके साथ ऑब्वियसली ये भी है, तो इसको भी ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो अभी तो एक हाथ से कर रहा हूँ तो समझो ना ऐसे, तो इतना मस्त लगा ना मेरे को, मैंने बोला यार, तो पार्थी ने बोला दोनों ले लेना। तो ये कुछ 240 रुपीज़ का है, इतना अच्छा है ना ये, तो मैंने बोला यार 240 में क्या मिलेगा अपने को। और ये देखो ऐसे करके आप होल्ड भी कर सकते हो, ऐसे करके बात कर सकते हो, तो क्या मस्त लगेगा ये, तो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है ऐसे करके,
तो एक ये चीज़ है, तो ये एक लिया और थोड़े से मास्क लिए और ये एक ट्रैवल किट, कभी हम बाहर गाँव गए तो यू नो ये हैंड वॉश और वो सब स्प्रे के लिए ये बॉटल वगैरह ये लिया। ये कुछ 50 रुपीज़ का है, ये 60 रुपीज़ का। ये मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत पहले भी मुझे अच्छा लगा पर उसके पास आउट ऑफ स्टॉक था। ये 65 रुपीज़ का एक मास्क है तो चार ले लिया हम लोग ने। मैंने लिया ये एक टर्टल बॉक्स है और ये बड़े काम का है तो मुझे अच्छा लगा। तो ये 135 का है और इसके अंदर मेरे पास एक छोटा टर्टल है, ये रहा, उसका नाम लकी है। तो ये 135 का आया और ये है 65 रुपीज़ के छोटे छोटे पेबल्स। तो ये थोड़ा छोटा आ गया है बट फाइन, यू नो ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसको फिर मैं पानी में डाल दूंगा। ये अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 4 साल से है, उसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। मम्मी डैडी के पास वही रूम में रहता है तो ये एक अच्छा लगा मुझे, तो आई बॉट दिस ऑल्सो, दिस इज़ वर्थ द मनी। और यहाँ से ये खुलता भी है और ये खुलेगा तो यहाँ से आप अब कुछ भी दाना वगैरह डाल सकते हो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट लाइक ऐसे करके, आप हैंडी है और यहाँ से ये टक टक करके आवाज़ भी आता है तो ये पूरा लॉक हो जाता है। सो यू कैन कैरी दिस एज अ कैरी बॉक्स, ऐसे कैरी कर सकते हो। तो ये एक चीज़ ले लिया है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उसको घर पे तो नहीं रखेंगे, थोड़ा और 3-4 साल हो जाएगा। अभी ये 3 साल का है और 3-4 साल रखेंगे इसको, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको फिर मैं पानी में डाल दूंगा। बिकॉज आई हैड अ डॉग तो मुझे मालूम है कि यू नो आई रियली लव एनिमल्स एंड आई रियली केयर फॉर देम। तो ये मुझे कुछ अच्छा लगा तो फिर मैंने बोला चलो यार ये लेना तो बनता है उसके लिए। तो ये 3-4 चीज़ है, तो ये 135 का आया, ये 240 250 का आया और ये सब है। और पार्थिव मैडम एकदम थक गई है। पार्थिव मैडम तेरे पैर में क्या हाल है? उसने वो नए जूते पहने तो शू बाइट हो गया, तो ऐसे घसड़ घसड़ के चल रही थी तो उसके पैरों में तो अभी थोड़ा सा क्या थोड़ा दर्द लग रहा है उसको, थोड़ा फील लग रहा है। गुड नाइट, चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, बड़ा काम का व्लॉग था, अच्छा था और मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा कि नहीं। एक लाइक तो बनता है, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।